Hi everyone, I'm Rishu. Welcome back to my channel. If you are new here, I create educational content here. And if you are looking for more of such videos, then do not forget to hit the subscribe button. So, my today's topic is.

टाइप्स ऑफ रिसर्च की जब भी हम बात करते हैं सी स्टूडेंट्स वी हैव मैनी टाइप्स ऑफ रिसर्च सो इफ यू इफ़ यू विल रीड अ फ्यू बुक्स ऑन दिस एवरी बुक विल टेल यू सम न्यू टाइप्स ऑफ रिसर्च ठीक है अगर आप जिकमंड को पढ़ेंगे तो प्रोबेबली आई गेस देर देर आर फोर फाइव टाइप्स ऑफ रिसर्च अगर आप कूपर को पढ़ते हैं तो कूपर में आपको बहुत कंपेरिटिटिव बेसिस पे टाइप्स ऑफ रिसर्च बताई हुई हैं जैसे कि क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव रिसर्च शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिसर्च ठीक है तो इस तरीके से आपको हर बुक में अलग टाइप्स ऑफ रिसर्च मिलेंगे सो इन दिस वीडियो आई एम ट्राइंग टू कवर द वेरी बेसिक टाइप्स ऑफ रिसर्च विच आर यूजअली आस्क्ड इन यूजीसी नेट क्वेश्चन पेपर्स एंड यू शुड हैव ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ तो टाइप्स ऑफ रिसर्च की अगर हम मेजर कैटेगरीज uh, में इसको डिवाइड करें तो इसका कैटेगराइजेशन दो बेसिस पे किया जा सकता है वन इज बेसिक रिसर्च एंड अनदर वन इज अप्लाइड रिसर्च ये जो दो कैटेगरीज हैं रिसर्च की ये बहुत ही ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसमें कि बेसिक रिसर्च आपका क्या कहता है व्हेन यू आर जस्ट व्हेन द रिसर्चर इज़ ट्राइंग टू इंप्रूव द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज जब रिसर्चर एक नॉलेज एडिशन करता है एक जर्नलाइज्ड बॉडी ऑफ प्रिंसिपल वो प्रोवाइड करता है तो उसको हम मोस्ट बेसिक रिसर्च का नाम देते हैं बेसिक रिसर्च इसको इसलिए बोला गया है बिकॉज इट इज़ नॉट अप्लाइड टू एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम और एनी स्पेसिफिक इशू बल्कि ये एक आपका जर्नल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है जर्नल सोल्यूशंस लेके आता है इट बेसिकली ब्रिंग्स द सोल्यूशन विच इज़ फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ अयुमेनिटी एज अ होल और ऑफ अ सोसाइटी एज अ होल जबकि अगर हम अप्लाइड रिसर्च की बात करते हैं तो अप्लाइड रिसर्च इज स्पेसिफिकली कंडक्टिड टू वैन वैन यू फेस स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और वैन यू फेस स्पेसिफिक इशूज और चैलेंजेस इन द बिजनेस ठीक है जैसे कि अगर हम किसी बिजनेस प्रॉब्लम uh, की बात करें सो so, uh, it might be possible that a business wants to know uh, why it's why the volume of its sales is decreasing or increasing to so, uh, is type ke uh, jab research conduct kiye jate hain jisme ki ek specific issue par focus karke us study ko conduct kiya jata hai to wo aapka applied research ke under आता है so I hope ये आपको clear हो गया होगा कि basic और applied research क्या होते हैं तो इसके बाद जो हम कैटेगराइजेशन करेंगे रिसर्च का वो मैं उन टाइप्स को कवर कर रही हूं जो कि यूजुअली आपको कि कोई भी टीचर बताएगा जो कि आपको पता होने चाहिए तो इसमें हमारी चार कैटेगरीज आती हैं जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिसर्च को वन इज

So let's just explain uh, one by one. Whenever we talk about exploratory research, first comes your exploratory research. As its name suggests, um, what we do under uh, this research is we explore. So what we what do we explore here? Uh, the main point is the problem. So we explore the problem here. I am uh, writing in short.

कंपनी इज फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ हाई इम्प्लॉय टर्न ओवर इट फील्स की हर साल जो है इसके एम्प्लॉयजनाइजेश ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं सो द कंपनी वॉन्ट्स टू एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम तो उसके लिए कंपनी ने क्या किया द कंपनी स्टार्ट प्रोवाइडिंग हाई सैलरी हाईक्स टू इट्स एम्प्लॉयज इट्स प्रोवाइडिंग प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज टू द एम्प्लॉयज इट स्टार्ट प्रोवाइडिंग गुड करियर अपॉर्चुनिटीज टू द एम्प्लॉयज बट स्टिल आफ्टर टू ईयर्स ईयर द कंपनी स्टिल फील्स दैट दॉ टर्न ओवर रेट इज स्टिल इंक्रीजिंग तो उस केस में क्या हुआ कि कंपनी ने प्रॉब्लम को फेस किया बट उसके बाद उसके सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद भी कंपनी को उसका सोल्यूशन नहीं मिला उसका रीजन क्या था कि कंपनी ने सोल्यूशन प्रोवाइड किया प्रॉब्लम को समझे बगैर तो प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है वी शुड नो वट आर द एक्चुअल रीजन्स बिहाइंड दैट प्रॉब्लम क्या कॉज कर रहा है उस प्रॉब्लम को अकर करने के लिए तो उस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम किस तरह के रिसर्च को कंडक्ट करते हैं वी कंडक्ट द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और जब उसने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को फाइनली कंडक्ट किया सो द कंपनी गेट्स टू नो दैट द एक्चुअल रीजन वॉज

so that you may recollect next comes your descriptive research now uh, uh, again the name suggests itself the descri descriptive research is to describe so what it describes it describes the phenomena it may describe the population और इट में डिस्क्राइब द वेरिएबल वट वेरिएबल यू टेक वट वेरिएबल यू आर स्टडिंग उसको जब जब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स uh, को आप डिस्क्राइब करते हो दैट इज कॉल्ड योर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सो इसमें अगर मैं एक आपको एग्जांपल बताऊं तो इसके लिए एग्जांपल मैं लेना चाहूंगी नाउ इफ अ कंपनी इज देअर विच प्रोड्यूस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ठीक है तो नाउ दिस कंपनी वॉन्ट्स टू नो दैट विच काइंड ऑफ कंज्यूमर इट 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 शुड टारगेट विच कंज्यूमर सेगमेंट इट शुड टारगेट दैट वुड परचेज द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इसके लिए बेसिकली उस कंपनी को रिसर्च कंडक्ट करना है सो नाउ दिस कंपनी वट वट विल दिस कंपनी डू दिस कंपनी सिंपली गोज टू अर्नल स्टोर इट डिस्ट्रीब्यूट क्वेश्चनअर्स टू से हंड्रेड कस्टमर्स ओके वो उनसे सिंपली उनका डेमोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एंड बहुत बेसिक उनसे इंफॉर्मेशन लेती है वेदर दे बिलोंग टू एन अर्बन सिटी और रूरल एरिया और द एज ग्रुप इट आस्क फ्रॉम द कंज्यूमर्स इसके अलावा उनका एडुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है किस टाइप जर्नल अवेयरनेस लेवल उनका क्या है ठीक है एंड लास्टली देयर इंटेंशन एंड अवेयरनेस अबाउट परचेजिंग एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तो वो इस टाइप की जब सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगी उस क्वेश्चन के थ्रू सपोज हंड्रेड कस्टमर से या 150 कस्टमर से जो भी सैंपल उसने कंसिडर किया है उससे तो उसे कंज्यूमर कंज्यूमर uh, यहां पे हमारा वेरिएबल है तो कंज्यूमर की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने में आसानी हो जाएगी किस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स को वो डिफाइन करेगी कंपनी नाउ थ्रू द दिस रिसर्च द कंपनी फाइनली अराइव एट अ कंक्लूजन दैट

कंज्यूमर्स या हम बोल सकते हैं हमारे रिस्पोंडेंट्स जो हमें रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस रिस्पॉन्स के पीछे उस बिहेवियर के पीछे क्या रीजंस हैं उसको हम डायग्नोज करने के लिए यूज करते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च को तो हम यहां ये भी लिख सकते हैं बिहेवियर बाय रिस्पोंडेंट्स और यू कैन से द कंज्यूमर्स ठीक है और यू कैन ऑल्सो से इंप्लॉयिज सो यूजली आप रिसर्च में पढ़ते हो कि यू हैव कलेक्टेड डेटा फ्राम एम्प्लॉज यू हैव कलेक्टेड डेटा फ्राम कंज्यूमर्स यू हैव कलेक्टेड डेटा फ्राम रिस्पोंडेंट्स बट वेरी फ्यू रिसर्च फोकस ऑन वाई वाई दे आर फीलिंग सो वाई दे आर फीलिंग दैट वे अगर कोई एम्प्लॉय आपको कोई भी डेटा दे रहा है कि आई एम नॉट फीलिंग लाइक दिस सो वाई द रीजन बिहाइंड फीलिंग लाइक दिस तो वो आप किस में डायग्नोज करते हो किसमें स्टडी करते हो डायग्नोस्टिक रिसर्च में लास्टली इट कम्स द कोजल रिसर्च कोजल रिसर्च भी आपको पढ़ने से पता लग रहा है कि वेर यू स्टडी द कोज वेर यू स्टडी द कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम कहाँ स्टडी करते हैं जहां हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं ठीक है क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट हम किसी भी दो वेरिएबल में किसी भी दो सिचुएशंस में किसी भी दो चीज़ों में ही हम उस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं कि जैसे सपोज दो वेरिएबल्स हैं प्रोडक्टिविटी एंड ट्रेनिंग तो अगर हम इम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसका प्रोडक्टिविटी पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है तो यहाँ हमने एक वेरिएबल का इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल पे स्टडी किया है यू मस्ट हैव अबाउट डिपेंडेंट वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स तो वो सभी uh, इस टाइप की स्टडी हम कहाँ करते हैं कोजल रिसर्च के अंडर सो कोजल रिसर्च टेल्स यू अबाउट कोजल इंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जाम्पल भी मैं यहाँ आपको इसका लिख देती हूँ बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है ये ट्रेनिंग एंड प्रोडक्टिविटी जहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स को कंसिडर किया है ऑल राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसर्च इसके अलावा भी अगर आप किसी भी टाइप ऑफ रिसर्च को कहीं स्टडी करते हैं एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस सो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन आई मेक यू अंडरस्टैंड दैट टाइप ऑफ रिसर्च इट इज रियली नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द टाइप्स ऑफ रिसर्च अंडर वन वीडियो सो द मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ रिसर्च आई हैव कवर्ड दैट वॉज ऑल फॉर टू डिस वीडियो थैंक यू सो मच and if you like this video so uh, please do like comment and you may share with your friends and do not forget to hit the subscribe button thank you for watching me thank you so much